भाई कैसे हो? बढ़िया है, ठीक ठाक। खसो के नहीं? चला जा। सबसे पहले अपने बारे में बताऊँ? बताया वैसे कब? दो वीडियो देख चुके तो। लक्षण एजुकेशन की तरफ से मैं हानू। आज हम बातें करेंगे परसेंटेज पार्ट थ्री का। हम लोगों ने पहले परसेंटेज पार्ट फर्स्ट और सेकंड देख लिया था। अच्छा, जिन लोग ऐसे भी को बहुत सारे ऐसे लोग बैठे होंगे जिनमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्हें नहीं पता होगा अभी चल क्या रहा है। हमने सेकंड पार्ट फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा, थर्ड कैसे आएगा? तो एक काम करो, फॉर्मूला लिखो। सबसे बढ़िया चीज़, फॉर्मूला लिखो लिखो लिखो। फॉर्मूला कॉपी में निकालो जल्दी। दुनिया में सब कुछ 100% होता है, फॉर्मूला खत्म। समझ में आया कि नहीं? दुनिया में सब कुछ 100% होता है। अभी सोच रहे हो है क्या आखिर? कह रही यही तो चीज़ है जो आग लगाएगी। देखना एकदम, अगर आपसे बोला जाए 20% लॉस हुआ है, 20% लॉस हुआ है, तो हमें नहीं पता मामला। अगर 20% लॉस हुआ है इसका मतलब है वो है कितना? 80% की कल। अगर आपसे बोला जाए कि 20% प्रॉफिट हुआ है तो इसका मतलब जानते हो क्या है? 20% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? कि 120% के इक्वल। बस इतनी सी बात बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा इसके बारे में, क्योंकि इसके लिए आपको फर्स्ट और सेकंड वीडियो देखना होगा। इससे ज़्यादा अगर नो प्रॉफिट नो लॉस बोला है तो आपका कितना रहेगा? 100%। और यदि आपसे बोला हुआ है कि 20% लॉस हुआ है, हानि हुई 20% की, तो वो 80% के बराबर है। यदि आपसे बोला है कि 20% प्रॉफिट है तो आपका 120% के इक्वल है। अब इससे ज़्यादा इस पर बातें नहीं की जा सकती वजह, क्योंकि इसके लिए आपको फर्स्ट और सेकंड वीडियो देखना होगा। तो हम आते हैं मुद्दे की बात पर। अब आते हैं परसेंटेज का कौन सा पार्ट है? थर्ड। अब देखते हैं, तो देखते हैं, चलो नया टाइप, नया सब कुछ, नया क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा, और जिनको नहीं दिख रहा हो वो देखें क्वेश्चन को। देखें दिखा क्वेश्चन, मैं आपको बताता हूँ। उसमें बोला है कि 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितनी चीनी और मिलाई जाए जिससे वह घोल कितना हो जाए? 50% हो जाए। मतलब 50% चीनी। अब देखो सीधा सीधा बात है, देखो बड़ी अच्छी सी बात है। ये हमारा है बर्तन, बहुत अच्छा बर्तन है, दुनिया का सबसे खूबसूरत है। पता है कहाँ मिला होगा? तुम्हारे दहेज में मिला होगा, बढ़िया वाला वही बर्तन है। इसमें क्या दिया है आपको? देखो आपसे बोला हुआ है इसमें कुछ ना कुछ मामला, इसमें किसको मिला है? देखो उसने बोला है कि 40% चीनी, इसमें कितनी चीनी और मिलाई जाए। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि यहाँ पर आपसे चीनी मिला रहा, फिक्स क्वान्टिटी कौन सी होगी? चीनी होगी या पानी होगी? क्योंकि हम जिस मात्रा को मिला रहे हैं वो चीनी है, और जिसको नहीं छेड़छाड़ कर रहे हैं वो क्या है हमारा? वो हमारा पानी है। तो जो पानी इस बर्तन में होगा, एक बात याद रखना, वही पानी कहाँ होगा? इस बर्तन में भी उतना ही पानी होगा। कुल मिला के जो फिक्स क्वांटिटी है हमारी, वो फिक्स क्वांटिटी कौन सी? हमारी पानी। जो पानी यहाँ है वही पानी यहाँ है। बोले फिक्स क्वांटिटी क्या? जब हमने इसमें चीनी को मिलाया ही नहीं है तो जो चीनी यहाँ थी वो चीनी यहाँ होगी, सॉरी जो पानी यहाँ है वो पानी यहाँ। चीनी को मिला रहे हैं तो एक बात याद रखना कि फिक्स क्वांटिटी जो यहाँ है वो यहाँ है। बस पता इतना चलाना है कि मामला है क्या। तो हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में जब भी आएगा हम किसको पकड़ेंगे? फिक्स क्वांटिटी को हम पकड़ेंगे, फिक्स, चाहे वो उड़ाए चाहे वो मिलाए। ठीक है, एक बात याद रखना, जिसको मिला रहा है उसके बारे में बात नहीं करनी है, जिसको नहीं मिलाया जा रहा है उसके बारे में हमें बात करनी है। तो आते हैं क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको बताया गया था, अगर 40% इसके अंदर चीनी है, अभी अभी बताया दुनिया में जो भी है सब कुछ क्या होता है? 100%। यदि 40% आपकी चीनी है तो मुझे एक बात बताओ इसके अंदर पानी कितना है? तो फिक्स क्वांटिटी तो हुई जनाब तुम्हारी कौन सी? पानी। हमने कहा पानी आपका फिक्स है। हमारा पानी क्या जनाब? फिक्स है। पानी हमारा फिक्स है। अब फिक्स है कितना आखिर के? 40 चीनी है तो पानी है 60। कुल कितना है? 300 ग्राम। तो हम देखेंगे कि 300 ग्राम का ये मामला है, इसमें 60% कौन होगा जनाब? कौन होगा? पानी। और 6 × 3 कितना आएगा? 180। यानी 180 की बात करें तो यहाँ पर आपको दिया है 180 ग्राम क्या हो जाएगा आपका? पानी। ग्राम में दिया ना, कुछ हम ग्राम में बात है तो ग्राम में, वैसे हम पानी ग्राम में होता नहीं है, पर मान लेना, समझ में ना। इधर देखो तो 180 की बात करें, यहाँ पर उसने बोला है कि नए वाले बर्तन में अगर 50% चीनी है तो पानी कितना है? पानी तो जो पहले था वो पानी बाद में, तो इसका मतलब है कि पानी उसके अंदर कितना बचा हुआ है? 50%। कहानी खत्म। वो नई क्वांटिटी है कितनी कितनी नहीं हमको नहीं पता। हम क्या कहेंगे? उसका जो भी होगा उसका 50% हम निकालेंगे, और वो 50% कितना आ जाएगा? वो 50% आएगा आपका 180। कुल ये क्वांटिटी कौन सी है? नई, जिसमें मिला दिया, जिसमें सब कुछ मामला। तो 50 उड़ेगा कितनी बार? उड़ेगा ए, और एन बराबर कितना आ जाएगा आपका? और यहाँ जाएगा 360। ये 360 कौन सी क्वांटिटी है आपके पास, नई या पुरानी? वो आपके पास क्वांटिटी कौन सी? आपके पास नई। पहले आपके पास 300 ग्राम, तो कितना बढ़ गया? तो हम कहेंगे जनाब 360 में से पुराने वाले 300 को उड़ा देंगे तो कितना? यानी 60।
यानी 60 ग्राम कौन आएगा आपका, ठीक है, वो कौन आएगा आपका, वो चीनी आएगी। फिक्स क्वांटिटी से मतलब रखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लड़का ही कहता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, तो चलो आराम से, ये तो आपको निकालना ही पड़ेगा आपको कम से कम कि फिक्स क्वांटिटी है कितनी। क्यों? क्योंकि नए वाले बर्तन में उसने बोला 50% चीनी है तो पानी भी आपका। तो आप चाहें उसे ऐसे भी कर सकते हैं कि 50% के बराबर हमारा मामला कितना आएगा, 180 आएगा। तो दुनिया में सब कुछ क्या होता है, 100% होता है। और 1 रुपये में 2 टॉपी तो 5 रुपये में कितनी टॉपी, ऐसे 50% 180 है तो 100% कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, इस 50 से यहाँ से उड़ा देंगे, इसको कितनी बार उड़ेगा, और एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 360। वही कहानी। तो ये कौन सी क्वांटिटी है आपको अच्छे से पता है, ये जो क्वांटिटी आपको दिख रही है वो कौन सी है, नया वाला। तो हम क्या कहेंगे, 360 में से इस 300 को उड़ा देंगे तो बचेगा क्या आपका 60। तो चाहे ऐसे करें ऐसे करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको एक स्क्रीनशॉट लेना होगा बेहतरीन सा, जल्दी फटाक से स्क्रीनशॉट लें, जल्दी लें, फिर हम आगे बढ़े। ले लिया होगा यार, मोबाइल कितना भी काम करे, देखो पता पक्का पता है, स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, ऊपर वॉल्यूम बढ़ गया होगा, मुझे पक्का पता है। जल्दी ले हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा, सेकंड जो क्वेश्चन है। अच्छा, कई लोगों को लग रहा होगा स्पीड कुछ नहीं पता है, आप लोगों को क्या कम समय में ज़्यादा देना है, समझ रहे हो ना, कम समय में बोरों से तेज बनाना है। तेज कैसे बनते हैं सिखाएंगे तुमको, तेज कैसे बनते हैं। बहुत लोगों ने क्या कर दिया है, केवल लोगों को बस ऐसे बना दिया, ठीक है, कम समय में 3 साल का पीरियड नहीं, हमें 1 साल में ही करना है, 6 महीने में खत्म करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा, 39। चल अब 39 क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, अगर आप देख पा रहे हो अगले क्वेश्चन में हम बातें करें, बहुत अच्छी अच्छी बातें करें। एक बात याद रखना, दुनिया में जो भी लगाओ जो भी पढ़ो, पर एक बात रखना, अपने कॉन्सेप्ट को एक बार दिमाग में बस गया ना तो ये निकलने वाला नहीं है, जब कुछ कर लेना, ये नहीं, ये तो बिल्कुल तुम्हारे ऐसे है जैसे हीमोग्लोबिन नहीं तो सांसें नहीं, वैसे ही सोच लेना, इसको समझ में आ रहा है ना एकदम। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर कौन सा, 39 क्या कहता है, तांबे और एल्यूमिनियम में 2 किलोग्राम मिश्रण में 30% तांबा है, कॉपर, समझ रहे ना, तांबा कॉपर की बात होती है, कितना 30% तांबा, इस मिश्रण में कितना एल्यूमिनियम पाउडर मिलाना चाहिए जिससे तांबे का अनुपात का मतलब वही बात होती है, तांबे का अनुपात 20% हो जाए। यानी आपसे बोला सीधा सीधा आपका 2 किलोग्राम कौन था, एल्यूमिनियम और तांबे का था, इसमें 30% कौन है तांबा, इसको कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, मुझे बताओ मिला क्या रहा है, दिख रहा है ना सामने क्या मिला रहा है, सब कुछ दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, मिला रहा है, दिख रहा है ना, बढ़िया दिख रहा है। तो क्या दिख रहा है इसमें, देखो 30% कौन है इसमें तांबा, कितना एल्यूमिनियम मिला है, तो एल्यूमिनियम पाउडर से हमारे कोई मतलब का नहीं, जिसको हम मिला रहे हैं उसे हमें कोई लेना देना नहीं। तो सबसे पहले तो एल्यूमिनियम से कहेंगे टाटा बाय बाय भाग जाए, हमारी फिक्स क्वांटिटी कौन सी है जनाब, तांबा हमारी फिक्स क्वांटिटी है। यानी कॉपर की हम बात करें तो कॉपर हमारा कौन है, फिक्स। अब देखें उसने हमें जो भी मतलब, पहले इसकी मात्रा निकालेंगे फिर अंत में देखेंगे कितना रह गया फाइनल में। यहाँ पर दिया है कि 30% तांबा है, तो सबसे पहले आप देखोगे 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000, तो 2 किलोग्राम में 2000, तो हम कहेंगे कॉपर की मात्रा देखेंगे हम, और 2000 ग्राम, तो 2000 ग्राम में आपको पता है कितना मिला है जनाब, कितना, और ये उड़ेगा, और 3 दूनी कितना आ जाएगा, 600 ग्राम हो गया ना। अब उसने साफ साफ बोला है ये जो फिक्स क्वांटिटी है वो 600 ग्राम है, फिर उसने साफ साफ कहा है इस कितना मिलाया जाए कि तांबा 20% हो जाए। ये दिमाग मत लगाना कि होगा तो ये नहीं होगा, सामान्य तौर पर क्या होता है, ट्रिक होता है, और ट्रिक वाले क्या करते हैं, ये होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा नहीं, आपको ये सब नहीं करना, एकदम रिलैक्स होके क्या करना है कि फिक्स कौन है, तांबा, और तांबा जो फिक्स है वो कितना है तुम्हारा, तुमको पता है 30% पहले, अंतिम में कितना रहा, अंतिम में उसने बोला साफ साफ कि तांबा 20 हो जाए, हमें तो मतलब फिक्स है, तो हम कहेंगे ये वाला मामला हमारा आ चुका है। अब दो में से आपको जो अच्छा लगे वो आप करें, या तो आप सीधा सीधा बोलें कि 20% की वैल्यू आपकी कितनी आए, 600, तो दुनिया में सब कुछ क्या होता है, 100%, दुनिया में सब कुछ 100, 1 रुपये में 2 टॉपी तो 5 रुपये में कितनी टॉपी, यानी परसेंट के नीचे परसेंट, मुद्राओं के नीचे मुद्रा या मात्रा के नीचे मात्रा। सिंपल सा फंडा ये दिया आपका 20x, ये कितना हो जाएगा आपका इतना, और ये कितना 6, यहाँ से उड़ेगा कितनी बार उड़ेगा, कुछ तो बोलो जनाब, आवाज़ आ रही है ना, तुम्हारी आवाज़ तो मुझे बहुत अच्छे से आ रही है, मस्त वाले। ये नया मामला है, क्या सा मामला है जनाब, नया, तो हम क्या करेंगे, पुराना कितना था, हम इसमें से एक एक तो जाओ क्या आ जाएगा 1000, कितना उड़ा है,
अब आप चाहते हो तो ना, आप कहने नहीं मैं ऐसे नहीं करूंगा, तो आपको अच्छे से पता है कि नई क्वांटिटी कुछ तो होगी, उसमें जो भी मात्रा हमें नहीं पता 20% है, 20% की वैल्यू कितनी दी है 600, को नए वाले में उसने साफ साफ बोला है कि तवा तुम्हारा कितना हो जाए 20%, और मात्रा हम निकाल चुके हैं, तो हम कहेंगे कि एन का 20% लेंगे और जो मामला बनेगा वो कितना आ जाएगा आपका 600, 20 से उड़ेगा कितनी बार उड़ेगा जनाब, और आपका आ जाएगा एन इक्वल टू कितना आ जाएगा, जो आपको अच्छा लगे यार वो रखो। किसने कहा कि एक रखो, दो रखो, चार रखो, पांच रखो, जैसे आप और भी चीज़ें रखते हैं ना, दो दो चार चार मोबाइल में नंबर होते हैं ना आपके बढ़िया बढ़िया, कौन से पापा वन, पापा टू, मम्मी वन, मम्मी टू, आप भी जानते हो वो क्या होता है, मैं भी जानता हूँ, पापा तो होते नहीं, समझ गए ना, ऐसे जितना अच्छा लगे उतना रखो। तो कितना अतिरिक्त मिला है, जल्दी पटाख से इसमें क्या करें, आप जल्दी से इसका स्क्रीन शॉट लो, बढ़िया वाला लो, अच्छा वाला, अच्छा वाला स्क्रीन शॉट लो, बढ़िया वाला चमचमाता हुआ, दो चार ले लो, खो जो अच्छा लगे उसे रख लेना, पता है आ रहा तेजा सब कुछ। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर आता है इसी का, कौन सा थर्ड क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। कर लिया ना स्क्रीन शॉट, ले लिया ना, चलो ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है थर्ड क्वेश्चन को आप देखें, उसने बोला है कि 75 ग्राम चीनी के ब्लेंड में 30% चीनी है, इसमें कितनी चीनी और मिलाई जाए जिससे चीनी का प्रतिशत बढ़कर कितना हो जाए 70। आप एक बात बताओ मुझे, बार बार मैंने एक ही बात कह रहा हूँ आपसे, अगर दिमाग लगा पा रहे हो तो अच्छे वाला दिमाग लगाना, पता आजकल लोग बेकार वाला दिमाग, किसको मिला रहे हैं, किसको मिला रहे हैं, चीनी को। जब आप चीनी को मिला रहे हैं, इसमें दिया ना सर 75 ग्राम चीनी के बिलियन में, अच्छा बिलियन में क्या होगा बताओ, चीनी होगा और कौन होगा, एल्कोहल तो होगा नहीं, पानी होगा यार, कोई आज का देखा है, कोई आज तक देखा है कि किसी ने दिया हो कि नहीं भाई दो पैक क्लिक बनाया बढ़िया वाला और काले चीनी डाल दे, पानी क्या है इसके अंदर, पानी, तो कॉमन सेंस लगा लिया, तुम्हारा दिमाग हमेशा गलत जाता है पता है, चीनी में बोले चीनी मिला के पियेंगे, चीनी मिला के आए तक देखा है किसी को, कड़वी लग रही इसमें मीठी हो जाएगी, ऐसा नहीं आए तक हुआ है क्या, चलो आ जाओ। तो उसने क्या बोला जनाब आपसे, क्या कहा है उसने सीधा सीधा, 75 ग्राम चीनी के बिलियन 30% चीनी, इसमें कितनी चीनी और मिलाई जाए जिससे चीनी का प्रतिशत बढ़कर कितना हो जाए 70। तो अब हमें चीनी से कोई लेना देना नहीं है, एक बात रहे, हमें मतलब किससे है जनाब, हमारे लिए फिक्स क्वांटिटी कौन सी है जनाब, पानी, तो हम कहेंगे पानी आज भाई। तो उसमें कितना 75 ग्राम, सबसे पहले तो आप 75 ग्राम को पकड़ोगे, अब हमने इसको पकड़ लिया, अब इसने क्या बोला है कि इसमें 30% चीनी है, गोली मारे चीनी को, क्योंकि चीनी ही मिला रहे हैं, तो चीनी को छोड़े, चीनी अगर 30 है तो पानी कितना 70, तो 75 का क्या करेंगे हम, 70% हम लेंगे, मेरे हिसाब से तो होता है 3 बार उड़ेगा 25 से आप ए उड़ेगा 4 बार, 7 × 3 = 21, यानी 210/4 कितना आ जाएगा 4, और ये जो मामला आपको दिया उसने बोला है फिर चीनी बढ़कर 70 हो जाए, अगर चीनी तुम्हारी 70 है तो पानी कितना रहेगा, पानी बचेगा तुम्हारा कितना 30%, बड़ा सिंपल सा पंडा यार। तो हम कहेंगे कि 30% का मामला कितना हो जाएगा 210/4 कितना 4, और दुनिया में सब कुछ क्या होता है 100%। तुम्हारे दिमाग में एक और चीज चल रही है, मैं अच्छे से जानता हूँ तुम्हारे दिमाग को, पता तुम्हारे दिमाग में चाय पियो क्या, मेरा दिल कर रहा है चाय पीने का, बढ़िया वाली चाय, ठीक है पीना हो तो आ जाना, बढ़िया वाली चाय। अच्छा अब तुम्हारे दिमाग में एक चीज चल रहा होगा कि इसने यहाँ पर इसे सिंप्लीफाई क्यों नहीं किया, कभी भी कैलकुलेशन यदि आगे बढ़ रहा है तो एक बात याद रखना, उसे सिंप्लीफाई कभी मत करना, उसे उसी रूम में रखना, और क्यों, वजह क्या होती है, चाय रख देते हैं अच्छी वाली चाय, ठीक है। तो यहाँ से देखना आप क्या आ जाएगा, ऐसे कितना आएगा मामला ए, और आप देख पा रहे हो ये बड़ी आसानी से उड़ रहा है, देखो 0 से 0 उड़ गया, 3 से कितनी बार उड़ेगा 7 बार, इस 4 से 25 बार, और कितना आएगा 175, पहले कितना था तुम्हारा 75, तो ये मामला कौन सा है, पुराना है कि नया है, ये तुम्हारा नया मामला, तो हम क्या कहेंगे 100 से 175 और पुराना वाला आपका कितना 75, तो कितना आ गया तुम्हारा, हर ग्राम हो मिलीग्राम हो जो भी एक्स वाई जेड देख लेना, उसमें कोई बुराई नहीं, ठीक है। तो ये बात है तो मैं अच्छे से समझ आ गई होंगी, और ये जो बातें बताई हैं मेरे हिसाब से आपको दिमाग में बैठ गई होगी कि हम किसको पकड़ते हैं, फिक्स क्वांटिटी को हम पकड़ते हैं, जो पहले है वो बाद में, बहुत ही सिंपल है, और इससे सिंपल मेथड कुछ नहीं हो सकता। आने वाले दो क्वेश्चन और उसके बाद आने वाले नया टाइप, एक बात याद रखना, जितना भी बना होगा जो भी बना होगा गारंटी है सबको भूल जाओगे, गारंटी है सबको भूल जाओगे, क्यों, क्योंकि भाई इतना ईजी मैथड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीन शॉट ले लेना इसका, पर चाय का छोड़ देना स्क्रीनशॉट, नहीं पता चला चाय का भी स्क्रीनशॉट ले लिया, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना, चाय ठीक है, क्या हल्का हल्का मौसम भी बढ़िया है तो चाय पीने का दिल कर रहा है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो उसने क्या बोला अगले क्वेश्चन में कि 20 किलोग्राम तरबूज में, 20 किलोग्राम तरबूज में 90% पानी है, 4 दिन बाद कुछ पानी उड़ जाता है, अब इसमें 60% पानी रह जाता है, तो कितना पानी उड़ गया। अब जानते हो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ क्या, आपने कई बार देखा होगा, बढ़िया सी चीज मैं आपको बताता हूँ, अच्छी वाली बात बताता हूँ, कैसे उड़ा होगा, कौन उड़ा होगा। देखो अच्छे से, आपने खीरा देखा? खीरा, खीरा नहीं देखा यार, क्या यार, सिलेंडर कहते क्या? खीरा में आपने देखा होगा, मान लो जून के मई के महीने में आपने खीरा खरीदा और खरीद के 1 किलो खीरा लाए, अचानक से फोन आ गया, अचानक से आप चले गए, उस खीरे के अंदर आपने एक चीज देखी होगी कि आप 3 दिन बाद घर से लौट के आते हो, ताजा जो खीरा दोनों तरफ से सिकुड़ जाता है, देखा है, सिकुड़ जाता है दोनों तरफ से, बीच का मटेरियल रहता है आपका बेहतरीन, जानते हो क्यों? उसके अंदर से पानी उड़ गया, लेकिन उसके अंदर जो मटेरियल है उस मटेरियल में कोई बदलाव नहीं हुआ, तो वहां पर फिक्स क्वांटिटी कौन सी है? मटेरियल, पानी में कोई, अब पानी में बदलाव हो रहा है क्योंकि पानी पहले था, अब पानी में बदलाव हो रहा है, तो वहां पर फिक्स कौन कह रहेगा? मटेरियल, एक बात याद रखना, फिक्स नहीं। खीरा नहीं देखा हो तो आज ही खरीदना मार्केट से, और देखना 1 किलो खीरा खरीदने के बाद आप देखो खीरा बहुत अच्छा, 4 दिन के बाद खीरा दोनों तरफ से सिकुड़ जाता है, वो मटेरियल फिक्स होता है, पानी उड़ जाता है। अब जाते हैं हम क्वेश्चन पर, देखो क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा जनाब? हाँ, अगला क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, 20% 20 किलोग्राम तरबूज में 90% पानी है, तो हम पानी को गोली मारें, क्यों? क्योंकि हमारा मटेरियल फिक्स है, अगर उसमें 90% पानी है तो बताओ मटेरियल कितना होगा इसके अंदर? ये रहा आपका तो 10, समझ पा रहे हो नहीं? 0 से 0, 0 से 0, और कितना किलोग्राम आ जाएगा जनाब? 2 किलोग्राम। क्यों, हमने इसी को क्यों लिया? वो बिल्कुल खीरे की तरह पानी उड़ता आता जाता रहेगा, लेकिन मटेरियल फिक्स रहेगा, तो 20 किलोग्राम में आपका 10% कौन है? मटेरियल, और वो है कितना? 2 किलोग्राम। अंत में उसने बोला हुआ है कि 70% पानी रह जाता, अगर 70 पानी है तो मटेरियल कितना बचा अब हमारे नए वाले में, सॉरी 60% पानी है, सॉरी, तो मटेरियल कितना है? 40%। हम कहेंगे कि 2 किलोग्राम जो है आपका अगर 40% के बराबर है तो कुल मटेरियल कितना होता है? 100% के बराबर, मामला कितना होगा? बड़ा सिंपल, बड़ा बहुत ही बेहतरीन है, ये जो चीज़ें आप देख रहे हो ना, बड़ा ज़बरदस्त है, सच्ची बता रहे, आ जाओ उड़ा दे, 20 से उड़ेगा कितनी बार? 2 बार, 20 से उड़ेगा कितनी बार? 5 बार, इस 2 से 2 उड़ गया, बचा क्या? एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 5। ये कौन सा है? 5 किलोग्राम कौन सा है, नया कि पुराना? नया, मतलब कुल मिला के हम खीरा लाए थे 20 किलोग्राम, खीरा बचा है 5 किलोग्राम, पानी कितना उड़ गया? 15। तो हम क्या कहेंगे जनाब? हम कहेंगे कि 20 में से अगर 5 बचा हुआ है तो 15 किलोग्राम आपका उड़ गया। बताओ है क्या? वहां पर मिला रहे थे, यहाँ निकल रहा है, पानी निकलेगा, फिक्स मटेरियल रहेगा, क्लियर है ना बातें? चलो जाओ जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका, फटाक से हम आगे बढ़ते हैं, ले लिया ना, जल्दी लो, बढ़िया, बार बार याद दिलाना पड़ता है, स्क्रीनशॉट लो लो लो, ठीक है, एक बात याद रखना, वीडियो देखते देखते ये मत भूल जाना कि हर चीज़ का स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में आप देखें, उड़ा दे, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है, शानदार है, लाजवाब है, मजा आ जाएगा, सच बता रहा, अगला वाला क्वेश्चन देखो, अगले टाइप में आएगा भी नहीं आएगा मजा, ठीक है, इसमें क्या था? अब इसने बोला हुआ है कि 30 किलोग्राम आपको दिया हुआ है, मामला कितना दिया आपका? 30 किलोग्राम तरबूज में 90% पानी है, गोली मारे 90%, 10 दिन के बाद किसी कारण से पानी उड़ गया, अब पानी कितना बचा? 70, तो 30 किलोग्राम में यदि 90% पानी है तो मटेरियल कितना है जनाब? वो मटेरियल कितना है जो फिक्स कौन है हमारा? फिक्स है तो हमारा एम यानी मटेरियल, ठीक है, और आपका कितना दिया था? आपका दिया हुआ कितना था? आपका 30 किलोग्राम, अगर 30 किलोग्राम में आपका 90% पानी है तो हम कहेंगे ये कितना बचेगा अब आपका? 10%, 0 से 0 हो जाएगा, क्या बचेगा? 3 किलोग्राम, बहुत अच्छा, क्या बचेगा? 3 किलोग्राम, बड़ा बेहतरीन चीज़ है, देखो अच्छा, अब उसने क्या बोला है कि इसमें 70% पानी रह जाता है, अगर 70 पानी है तो मटेरियल कितना है? 30%, हम कहेंगे 30% के बराबर यदि 3 किलोग्राम है तो दुनिया में सब कुछ क्या है? 100%, सच बताएं तो भाई उड़ा देंगे, बड़ा मजा आएगा, अब धीमे धीमे आप सीख जाओगे ना तो भाई उड़ाएंगे आराम से, और आप भी फिर खिलाड़ी हो जाओगे, देखना यहाँ से 0 से 0 गया, इस 3 से 3 गया, एक्स बराबर बचा कितना? 10, अगर 10 नया बचा है तो उड़ा कितना दिया आपने? कितना उड़ा दिया?
पहले 30 था, अब 10 बचा है, तो हम कहेंगे कितना उड़ गया, 30 में से अगर 10 को मामला तो कितना उड़ा दिया, अभी आंसर आ गया आपका 20 किलोग्राम। बताओ कितना सिंपल है। अब इसके लिए बताओ आपको क्या करना है, इसको कुछ नहीं करना है, इसको सिंपल मुस्कुराना है, थोड़ा मुस्कुरा लिया करो थोड़ा बहुत, पता है ना। बहुत बढ़िया बढ़िया, समझ में आ रहा है ना सबको, बढ़िया आराम से। और देखो लाल शर्ट वाला देखो कैसे मुस्कुरा रहा है, बढ़िया वाला। चलो आज अब देखते हैं नेक्स्ट और इसी का एडवांस वर्जन। एडवांस कुछ नहीं है, असल में कुछ जगह पर आपको इसका इसका जो मिलेगा ना वो ऐसा मिलेगा आपको, आप कहीं भी देखना इसका ही होता है, इसका ही होता है, इसका ही होता है, ऐसा होता है बिल्कुल। और हम बिल्कुल एकदम खीरा टमाटर कुछ नहीं करना, हम जाते हैं वैष्णो देवी के मंदिर, आप वहाँ खाते हैं, वहाँ से क्या खाओगे, सेव खाओगे। कौन सा वाला स्क्रीनशॉट ले लिया कि नहीं लिया, जल्दी फटाक से। चलो नेक्स्ट, टाइम की बड़ी कमी है ना, समझ रहे हो, इतना बैच पढ़ाने के बाद, पता है तुमको 8-8 बैच पढ़ाने के बाद फिर तुम्हारे लिए वीडियो तैयार किया है, 8-8 बैच पढ़ाने के बाद फिर तुम्हारे लिए वीडियो तैयार किया। दिल कर रहा था क्योंकि दोनों वीडियो में आपने रिस्पांस अच्छा दिया, मेरा दिल किया बढ़िया बढ़िया चीज़ें देंगे आप, शानदार जबरदस्त। सोचो 13 घंटे पढ़ाने के बावजूद भी तुम्हें दे पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि आपके अंदर एनर्जी दिख रही है जबरदस्त, आपकी ललक दिख रही है, 24 घंटे उन्होंने आग लगा दी ना उसमें, मजा आ गया। चलो आ जाओ जल्दी से, आगे का वीडियो भी ऐसे ही करना, ठीक है ना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, पता समझ रहे हो, लाइक करना। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इसी का है लेकिन नेक्स्ट टाइप, टाइप चेंज है, टाइप अप चेंज है। अब देखो क्या किया उसने, बोला हुआ है कि ताजे फल में 68% पानी है और सूखे फल में 20% पानी है। क्वेश्चन को समझना, बात है समझना एकदम, ताजे फल में 68% पानी है, ताजे फल है आपका, अगर फ्रेश फ्रूट है तो उसके अंदर कितना है, 68% आपका वाटर है, और आपका ड्राई फ्रूट में कितना है आपका, 20% आपका वाटर है। और फिर उसने किया बोला है आपका, यदि मान लो उसने फ्रेश फ्रूट को लिया हो आपका कितना किलोग्राम, 100 किलोग्राम लिया हो, तो आपको बताओ उससे कितना ड्राई फ्रूट बनाया जा सकता है। समझ रहे हो ना, ताजे फल में 68% पानी है, सूखे फल में 20% पानी है। अगर 100 किलोग्राम ताजा फल लिया है तो कितना सूखा फल बनाया जा सकता है, बिल्कुल बस खत्म करने वाले बात है। अच्छे से देखो, अब अच्छे से देखना इस क्वेश्चन को बढ़िया से। एक टॉवेल है, इधर से टॉवेल आई, मैंने इसको पानी में डुबो दिया, बात समझना अच्छे से, मैंने इसको पानी में डुबो दिया, पानी में लगी, वजन हो गया नहीं, भारी हो गया नहीं, भारी होगी, मेरा दिल किया मैंने ऐसे किया और टॉवेल को निचोड़ के यूं फेंक दिया, टॉवेल को निचोड़ के ऐसे पानी आ रहा, अब हल्की होगी, लेकिन क्या टॉवेल बदली, क्या टॉवेल नहीं बदली। यही बात आता है ऐसे ही कि इसमें देखें आप, अगर ताजा फल आपने लिया हुआ है, ताजा फल लिया मान कुछ कुछ भी लिया हो, खीरा लिया, टमाटर लिया, कुछ भी लिया, आपने उसके अंदर से क्या निकाल दिया, आपने उसके अंदर से पानी निकाल दिया, अब बचा क्या आपके पास, मटेरियल। आपने देखा वो तो नींबू, तो देखा होगा नींबू का काटा यूं, देखो नींबू दिख रहा है ना, नींबू काटेंगे एक दिन, नींबू लाएंगे बढ़िया, अपन पार्टी करेंगे बैठ के, जब सिलेक्शन हो जाएगा तो काटा नींबू और सारा इसको निचोड़ दिया, उसके अंदर क्या बचेगा, वो दिखा ना थोड़ा सा मटेरियल, वो फिक्स रहता है, तो बदलाव किसमें नहीं होता, मटेरियल में। तो याद रखना जो मटेरियल जो यहाँ है वो कहाँ है, यहाँ है, बस अंतर इतना, ये तो हो गया आपका फ्रेश फ्रूट, क्या हो गया फ्रेश फ्रूट, और ये कौन सा होगा आपका ड्राई फ्रूट, ये ताजा फल और ये सूखा फल, बस समझ रहे हो ना, ताजा ताजा नहीं जानते, ताजा ताजा जैसे तुम ताजे दिख रहे हो ना वैसे ही, और सूखा कौन देखना आज। अब देखें तो उसने साफ साफ बोला है कि ताजे फल में 68% पानी, मुझे पानी से कोई लेने देना नहीं क्योंकि पानी में बदलाव हो रहा है, मटेरियल जो है वो फिक्स है। तो यहाँ पर मुझे बताओ उसने ताजा फल अभी हमें नहीं पता कितना लिया, क्या ताजा फल लिया है, बिल्कुल लिया है, 100 किलोग्राम ताजा फल लिया है और इसमें बोला है 68% पानी है, तो मुझे बताओ 68 पानी है तो मटेरियल कितना है इसके अंदर, मटेरियल 32%, काम खत्म। मुझे नहीं पता मेरा ड्राई फ्रूट कितना होगा, पर ड्राई फ्रूट में उसने बोला है, क्या बोला उसने, कि इसमें 20% पानी है, अगर 20 पानी है तो मेरा मटेरियल कितना होगा, 80%, काम खत्म हो गया। आप यकीन माने इससे सिंपल हो ही नहीं सकता, उससे सिंपल क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि प्रैक्टिकल चीज है और ये मजा आ जाएगा देखना, 100 से 100 उड़ गया, ये 0 से 0 उड़ गई और 800 उड़ेगा, 8 कितना आएगा, 8 × 32 बताओ कितना आ गया, 40, यानी ड्राई फ्रूट कितना बनेगा तुम्हारा, ये सूखा फल कितना बनेगा, कुछ तो बोलो मेरे भाई, अब तो बोलो जनाब, क्या समझ आया कि नहीं आया मामला, फिर सुने, मटेरियल में कोई बदलाव नहीं क्योंकि जो मटेरियल सूखा हुआ था, जा समझ में आ रहा है कि नहीं, एकदम इससे सिंपल अगर है, जितना भी चीज ना इससे सिंपल स्वीट और हो ही नहीं सकता, बड़ा सिंपल है, समझ में आया ना, क्लियर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, इसका क्या स्क्रीनशॉट लो, ये तो इतना सिंपल है स्क्रीनशॉट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इधर काटा पीटे जब तुम बातें करूंगा ना तब तक नोट भी कर सकते हो, पर तुम करोगे नहीं, मैं भी जानता हूं तुम नंबर एक के मक्कार हो, तब तक देखोगे कुछ और दिख जाए, व्हाट्सएप पर दूसरे बार मोबाइल में हाय बाय भी लिखते हैं, क्या पता किसी का आ गया हो मैसेज, आ गया उन्हें, उन्होंने कह दिया हो हम पहले के वीडियो पहले अनुसर पहले, तो तुम एक ही बात बोलोगे तुम पहले, हनुसर तो आते जाते रहें, कल दिख जाएं कोई नहीं, चलो आ जाओ ले ले स्क्रीनशॉट, चलो आज अब आते नेक्स्ट,
चलो आ जाओ, एक क्वेश्चन बस अंतिम क्वेश्चन है पता है, फिर इसके बाद हम नया वीडियो में दिखाएंगे अंतिम वाला क्वेश्चन, फिर उसके बाद नया वीडियो दिखाएंगे, नया वीडियो नई चीज नई बात है, नया बेहतरीन मजा आ जाएगा। परसेंटेज अभी भूल जाओगे पता है, इधर उधर सारी बातें की चीज याद रखे, एच सी बोला तो हनु कंसेप्ट, बाकी कुछ भी याद नहीं।